बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा नाम साईनाथ कदम है और मैं ट्रिपल आईआईटी त्रिचुरापल्ली का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 2021 में किस तरह का कट ऑफ होने वाला है, साथ साथ में कंपेयर करते चलेंगे 2019 और 20 के डाटा, ताकि आप एक समझ सके क्या हो सकता है 2020 में कट ऑफ। कि हम यदि आपने जेई मेंस का कट ऑफ क्लियर किया तो क्या आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिलेगा, यदि आपने जेई मेंस का कट ऑफ क्लियर नहीं किया तो क्या आपको अच्छा कॉलेज या फिर कॉलेज कोई भी नहीं मिलेगा। 2021 का कट ऑफ जानने से पहले हम पहले 2019 और 20 के डाटा को कंपेयर करेंगे, देखेंगे किस तरह से चीज थी, किस कैटेगरी में कितना कट ऑफ लास्ट ईयर के और 2019 में था, उसके हिसाब से हम देखेंगे कि इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव हो सकता है या फिर उसके आसपास ही रिजल्ट आपका या फिर कट ऑफ आपका हो सकता है। 2019 में जनरल कैटेगरी में जो कट ऑफ था 89.75 था जनरल के लिए 19 में, जबकि 20 में इसका कट ऑफ था 90.37। तो आप डिफरेंस देख सकते हो कितना राइज हुआ है। अगर बात करते हैं हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 2019 में, तो इसका डाटा कहता है 78.21 कट ऑफ था, जबकि 20 में 70.24 था। ईडब्ल्यूएस में यार बहुत डाटा ये गिर चुका था। इसका रीजन था यार कि 2019 में जो इसकी सीट्स थे बहुत से कॉलेजेस में कम थे, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का जो कोटा है या फिर रिजर्वेशन है 10% है, तो बहुत से कॉलेजेस ने इसका जो सीट्स थे वो 10% नहीं किया था। किस कॉलेज में 4% 5% किया था, 3% किया था, इसीलिए उसका जो सीट्स थे इंक्रीमेंट ज्यादा नहीं हुआ था, इसलिए 19 में कट ऑफ हाई था। लेकिन 20 में सीट्स वो जो 10% रिजर्वेशन था उस चीज को पूरा फिलफिल कर दिया, इसी EWS का कट ऑफ था वो ड्रॉप हुआ था। अगर देखते हैं हम उसी तरह से ओबीसी का जो 74.31 जो कट ऑफ था 2019 में, जबकि 20 में 72.88 था कट ऑफ 2020 में, जो कि ओबीसी का। अगर हम एससी की बात करते हैं 2019 में उसका कट ऑफ जो था 54.01 था, अगर हम 20 के बारे में देखेंगे तो 50.17 था कट ऑफ एससी कैटेगरी में। उसी तरह से एसटी कैटेगरी में 44.33 था कट ऑफ 19 में और 39.06 कट ऑफ था 20 में। तो आगे बात करेंगे हम पीडब्ल्यूडी के बारे में, तो पीडब्ल्यूडी का जो कट ऑफ था 2019 में 0.11 था, जबकि 20 में 0.006 था। हमने देखा 2019 और 20 का डाटा क्या कहता था और इसमें ज़्यादा डिफरेंस कहाँ पर हुआ। सिर्फ हम देखेंगे यार EWS कैटेगरी में ज़्यादा जो हुआ था ड्रॉप हुआ था, बाकी कैटेगरीज के हिसाब से सेम था। 2021 की अगर बात करते हैं तो हो सकता है यार थोड़ा राइज हो, क्योंकि जिस तरीके से पेपर जा रहे हैं, जिस तरीके से परसेंटाइल आ रहे, क्योंकि यार बहुत किसी शिफ्ट में बहुत हार्ड पेपर बना दिया जा रहा है, किसी शिफ्ट में बहुत ईजी पेपर बना दिया जा रहा है, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा वैरी हो रही है। जो कट ऑफ होगा वो 91 point something हो सकता है या फिर इसके आसपास ही होना चाहिए। तो डेफिनेटली यार आपके कट ऑफ में ज्यादा डिफरेंस तो नहीं होगा, उसके आसपास ही होगा, लेकिन जो आपका मेरिट लिस्ट जो है ना, मेरिट लिस्ट जिस हिसाब से बनती है उसमें डिफरेंस डेफिनेटली होगा। तो आपको मेहनत करनी होगी और आपको अच्छे से अच्छे परसेंटाइल लाने होंगे। आपने कट ऑफ क्लियर किया इसका मतलब केवल इतना ही यार कि आप एडवांस के एग्जाम दे सकते हो, उसका फॉर्म जो है भर सकते हो, मतलब आप एडवांस के लिए एलिजिबल हो। अगर आपने कट ऑफ क्लियर नहीं किया इसका मतलब ये हुआ यार कि आप एडवांस के लिए बैठ नहीं सकते, आपको एग्जाम एडवांस की नहीं दे सकते। यदि आपको लगता है कि आपके परसेंटाइल कम है और आपको कोई कॉलेज मिलने वाला है, इसको जानना है, तो आप प्लेलिस्ट को जरूर चेक करना, क्योंकि प्लेलिस्ट में हमने एक कॉलेज बनाया है कि यदि आपको जेई मेंस में कम परसेंटाइल है तो आपको कौन कौन से कॉलेज मिल सकते हैं। हमने पूरा डिस्कस किया गया है, 5 NIT जो अच्छे NITs है उसके बारे में बताया गया है, तो आप प्लेलिस्ट को जरूर चेक करना, उसमें वीडियो आपको मिलेगा और वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। तो हमने इस वीडियो में पूरा देखा है कि कट ऑफ किस तरह से होने वाला है और किस तरह से कट ऑफ का असली मतलब क्या होता है। अगर कट ऑफ क्लियर किया तो आपका क्या प्लस पॉइंट है, अगर आपने कट ऑफ क्लियर नहीं किया तब भी आपके लिए ऑप्शंस है यार, आप प्लेलिस्ट में जाके एक वीडियो है उसको देख सकते हो। तो बस इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको लगता है किसी चीज के बारे में आपको जानना है, यदि आपको नहीं पता, यदि आपको जानना है कि EWS के अंदर रिजर्वेशन किस तरह से है, कितना लास्ट टाइम था, इस साल कितना है, या फिर आपको जो सीसैप को अगर जेईई मेंस रिलेटेड अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको अगर चाहिए तो कमेंट बॉक्स से कमेंट जरूर करना। और वीडियो आपको पसंद आया हो तो यार वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस आने वाले दिनों में मिलते रहे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।